हमने सब बाबू जी की 3 बीघा जायदाद में बेच के लड़की की शादी कर रहा है। ऐसे जैसे कल आ गई, ऐसे 2 दिन पहले आ जाती तो हमारा खर्च ना होता। क्या चाहती है? हमको शादी आदि कुछ नहीं करना, शर्मा नहीं करेगा, हम वही जो खर्च हमारा वापसी कर दे। आपसे शादी करने की तैयार? शादी नहीं करेगा, वो कहता मर जाऊंगा, पर शादी करूँ तो मैं इसी से करूँगी, नहीं मैं मर जाऊंगी। ना तो मैंने इससे शादी किया, ना तो कोर्ट मैरिज किया, कुछ नहीं किया, खाली इससे बात किया 3.5 साल पहले। वो भी इसमें बात का इतना बड़ा इशू बना दिया कि यहाँ तक चली आई शादी तोड़वाने। खुशी खुशी ब्याह की रस्में चल रही थी और दूल्हा दुलैया बस फेरे लेवे आए थे, लेकिन एक टाइम दूल्हे की पहुंच गई प्रेमिका, सो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दो। उतने दूल्हे राजा की प्रेमिका ने भी जम के हंगामा करे, दुल्हन पक्ष द्वारा सूचना दी गई, मौके पे पुलिस पहुंची, सब पक्षन को थाने ले आओ, आपसी सहमति बनावे की कोशिश करी गई। दुल्हन पक्ष ने विवाह में भय खर्च की अदायगी की मांग करी है, शादी से इनकार करी है, प्रेमिका दूल्हा बने प्रेमी से शादी करने की जिद पड़ी है। पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के महुआ जिला के अजनर थाना क्षेत्र के सियावन गांव को। इतने हर प्रसाद की पुत्री गायत्री के ब्याह की रस्में हो रही थी। जनपद के गौरीहार से दूल्हा बने ब्रज किशोर प्रजापति की बारात दरवाजे पे पहुंची, ब्याह की रस्में हो रही थी। यही दौरान 3 बच्चों की मम्मी ने अचानक से आके शादी में बवाल कर दो। हमीरपुर जनपद के राठ निवासी 3 बच्चों की माँ संतोषी बोली के वे दूल्हा की प्रेमिका हैं। शादी में दूल्हा की प्रेमिका होवे की सच्चाई सामने आवे पे दूल्हा को बरमाला डारवे जा रही दुलैया ने ब्याह करवे से मना कर दो। दूल्हा की प्रेमिका ने ब्याह में जम के बवाल करे और कई के ब्याह तो हम करें दूल्हे राजा से। इसके बाद पुलिस पहुंची, सब पक्षों को थाने ले आके आपसी सहमति बनावे को प्रयास करे। जैसे हमने लगन के लिए हमने सजाया, जैसे भाई औरत आ गई, बोले गायत्री की मम्मी कौन है? हमने कहा हाँ मैं। बोले गायत्री के पापा कहाँ है? मुझको बाहर है। बोले उससे क्यों शादी कर रहे हैं? मुझको हमें क्या मालूम, गायत्री की तो हमसे तो पूछते, मुझको हमें पता है तो कि तुम कौन है। बोले उनने हमसे शादी कर ली, हमने सर बाबू जी की 3 बीघा जायदाद में बेच के लड़की की शादी कर रहा है। ऐसे जैसे कल आ गई, ऐसे 2 दिन पहले आ जाती तो हमारा खर्च ना होता। क्या चाहती है? हमको शादी आदि कुछ नहीं करना, शर्मा नहीं करेगा, हम वही जो खर्च हमारा वापसी कर दे, हम अपनी लड़की की दूसरी जगह शादी कर देंगे, जहाँ लड़का मिलेगा वहाँ करेंगे, मगर उधर नहीं करना है। क्या कह रही थी वो लड़की आई थी? वो जो कह रही थी कि उन्होंने हमसे शादी करा ली है, सुबह को तुमने आ जा गई, ऐसे 2 दिन पहले आ जाती तुमसे शादी कर, तो हमारे यहाँ पर क्यों आई, लड़का के पास क्यों नहीं गई, लड़का के घर जाती, वहाँ से अपना फैसला लेती। थाने में शिकायत किया बाबू जी, हम शाम के आए रात के, फिर आते सुबह पुलिस पहुंच गई थी सुबह, लड़का का और लड़का के बाप का भैया हो जो कोई हो, हमको पता नहीं है, आने के बंद कर लो तो हमने कि हमारा, बोले रात के कोई नहीं है, सुबह ही आ जाना 9 बजे, हम आ गए सर। किस तरह की न्याय की मांग है आपकी? हमारा तो जितना खर्चा हुआ सर, मैं का लड़का छिकाई से जितना है हमारा, मगर न्योते वगैरह को हमको जहाँ से हमको पूरा खर्च चाहिए अपना। लगभग कितना खर्चा हो गया? लगभग 8-10 लाख रुपए। 8-10 लाख खर्चा हो गया सर हमारा। अपने होवे वाले पति की प्रेमिका को देख के दुल्हन ने ब्याह से मना कर दो और कई के उके परिवार के संगे जो धोखा है, लेकिन शादी के दिन प्रेमिका ने आके उसकी सच्चाई उजागर कर दी। वो तई ब्याह कार्यक्रम में पहुंची दूल्हा की प्रेमिका संतोषी बताऊ थे कि वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चा है, रिश्तेदारी के माध्यम से उसकी मुलाकात ब्रजकिशोर से भई थी। 2 जनन के बीच में नजदीकी होवे के बाद 2 जनन ने ब्याह करे, 4 साल से 2 पति पत्नी की तरह रह रहे। 2 जनन के बीच नजदीकी होवे के बाद ब्रजकिशोर ने उनकी मांग में सिंदूर भी भर दो, तो 4 साल से 2 जने पति पत्नी की तरह रह रहे और यही के चलते उनके मूल पति ने उनको छोड़ दो। ऐसे में अब अचानक से बिना बताए ब्रजकिशोर ने शादी कर ली, जिसकी सूचना मिलवे पे वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करके गाँव पहुंची और ब्याह रुकवा दो। जी हमसे बात करती थी, हमसे बात करती थी, पति पत्नी का ही रिश्ता था हमारा। कहाँ की रहने वाली है? राठ की। कहाँ आई थी आप रात में? किस जगह आई थी आप रात में? जी सियानी गांव। क्या हो रहा था ब्रजकिशोर का जब आप आए? क्या हो रहा था मतलब बारात आई थी। अच्छा शादी थी। तो आपसे पहले शादी का झांसा देता था क्या कि हम करेंगे शादी? हाँ हमसे कहा था कि मतलब आप हमारी पहली पत्नी बन के रहोगी और वो भी रहेगी, वो घर वालों के लिए, तुम हमारे लिए हो।
आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, हमारी शादी हो चुकी है। बच्चे अच्छे हैं? तीन बच्चे हैं हमारे। इनसे इनसे अपना आपका ये प्रेम पैटर्न कब से चल रहा है? चार लॉकडाउन के पहले से, तीन चार साल हो गए। हम शादी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब हमारी बदनामी हो रही है तो हम शादी ही करेंगे ना। मल्हा जी से नंदेव रहते हैं, उनका मोबाइल ख़राब हो गया था तो ये उधर ही रहता था इसने, फिर उसका मोबाइल ख़राब हो गया तो मतलब इन्होंने कहा अपना थोड़ा फ़ोन दे दो, हमें फ़ोन लगाना है। तो मतलब लगाया फ़ोन, तो बात उनने बात एक दिन की और इनने मतलब ये रोज़ बात करने लगी, आप हमको पसंद नहीं करते, हम आपको बहुत चाहते हैं, दुनियादारी बात की। तो हमारी रोज़ बात होने लगी, रोज़ बातें होने लगी। तो इनने 3 अक्टूबर को हमारी मांग भर दी, हमको गले में लॉकेट पहना दिया। जिस लड़की से आपकी प्रेमी की शादी हो रही थी, शादी हो पाई या नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। आपसे संबंध वगैरह ही बनाए कैसे? शारीरिक संबंध थे आपके? हाँ, पति पत्नी कहीं थे मेरे संबंध, तो पूरा मोहल्ला जानता है, मेरे बाप माता सब कोई जानता है। आपके पति को जानकारी है? सबको जानकारी है। पति ने मुझे मारा था, हाथ तोड़ दिया था, तो इसको बताया, इतने उसकी खोपड़ी तोड़ दी थी। आपसे शादी करने की तैयार? शादी नहीं करेगा, वो कहता मर जाऊंगा, पर शादी करूँगी तो मैं इसी से करूँगी, नहीं मैं मर जाऊंगी। हाँ, दूल्हे के भाई ने मारे, छत से फेंक रहा था हमको, मोबाइल छीन लिया था हमको, छत से फेंक रहा था वो, तो उनकी लड़की के गांव के थे सब, उनने हमको बचाया। किस तरह की न्याय की मांग करती है? ना हमको पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, हमको शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, नहीं वरना हम मर जाएंगे, हम गाँव नहीं जाएंगे अपना। अब दूल्हे राजा कह रहे हैं कि महिला जो भी आरोप लगा रही वे गलत हैं, क्योंकि महिला से केवल फोन पर बात होती, कोनो संबंध नहीं है और उसे शादी नहीं करे, और दुल्हन ने उसकी सच्चाई जाने बिना ब्याह से इनकार कर दाओ। ये लेडीज है एक, उससे खाली 3.5 साल पहले बात हुई थी मेरी, तो आज तक मतलब उसको भरे में किसी कोई मतलब कनेक्ट होगा कोई मेरे गाँव का या कोई आसपास पड़ोस का, इसके मतलब पैसे ऐसा भर दिया है तो ये यहाँ यहाँ तक चली आई, उसकी शादी तोड़वाओ कैसे भी करके। ना तो मैंने इससे शादी किया, ना तो कोर्ट मैरिज किया, कुछ नहीं किया, खाली इससे बात किया मतलब 3.5 साल पहले। वो भी इसमें बात का इतना बड़ा इशू बना दिया कि यहाँ तक चली आई शादी तोड़वाने। कोई शारीरिक संबंध थे या नहीं? कोई शारीरिक ना तो ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ संबंध नहीं है मेरा। इसके 3 बच्चे हैं, एक 16 साल की लड़की है, एक 13 साल का लड़का है, एक 8 साल का लड़का है। अब बताओ, अधेड़ है, 40 साल से कम नहीं है। मैं इसके लिए नस काटूंगा? ये तो कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अब क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए और क्या है? किस तरह के इंसाफ की मांग है? जो की शादी हो रही थी वो लड़की शादी करने के लिए वो लोग राजी हैं या नहीं है? वो लोग राजी नहीं है। माँ बाप शादी कर रहे थे, इन्होंने बताया नहीं पहले, पहले बता दे तो ऐसे नहीं करते माँ बाप। किसने नहीं बताया? गोरारी वाला ने, लड़के पक्ष ने। हाँ, लड़के पक्ष ने नहीं बताया पहले। क्या नहीं बताया? मतलब ऐसा कि हमारी दूसरी शादी हो गई ऐसा बता दे तो हम शादी न करवाते, हमें माँ बाप का भी खर्चा ना होता, जो लाखों रुपए लग गए वो भी ना खर्च होते। हमें बस कल जब वो आई जब पता चला। हमें कौन आई? वो औरत जिससे उस लड़की ने शादी की ना, वो कल आई थी हमारे घर पे। अच्छा। तो वो बोल रही थी कि तुमने शादी कैसे कर ली, उनकी पहले आ जाती तो हमारे खर्च ना होता इतना। माँ बाप हमारी जमीन बेच के शादी कर रहे हैं, हमारे गरीब हैं। क्या चाहती हैं आप? हम ऐसे ही चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमारा पूरा वापस कर दें बस। शादी करना वहाँ चाहे? नहीं तो शादी नहीं करनी वहाँ पर, हमारा जो भी नुकसान हुआ है, माँ बाप गरीब हैं, देखो शादी जमीन बेच के कर रहे थे, जो भी हमारा खर्चा है वो सब दे दें बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल पुलिस ये पूरे मामले में आपसी सहमति बनाने को प्रयास कर रही, लेकिन सब पक्ष अपनी अपनी बात पे अड़े हैं। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बौछार के लाने। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught in 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।